नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम, जिसमें आपको इन दिनों चल रही रिसर्च, इन दिनों आने वाली दिक्कतें और चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं। आम लोगों के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की कि कोरोना काल में किस तरह से बचने का सबसे सही तरीका है। क्या आप वैक्सीनेशन कराएं? वैक्सीनेशन को लेकर सारे देश में इस वक्त ड्राइव चल रही है, यानी वैक्सीनेशन अभियान जारी है और अब सारे देश में सभी वर्गों को जल्द से जल्द कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन लगे। किसी भी तरह के वैक्सीन का जब आपके डोज आए तब आपको लगवाना चाहिए, इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नए वेरिएंट्स हैं जिनको लेकर कुछ कंसर्न, कुछ चिंता की बातें। एक्सपर्ट से जुड़ते हैं सीधे और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या इनको लेकर ताज़ा रिसर्च कहती हैं, कितना हमें सतर्क रहना है, कितना हमें डरने की आवश्यकता है। हमारे साथ में आज एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, चलिए उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में हैं एम्स रायपुर के कोविड वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर अतुल जिंदल साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट को लेकर इन दिनों काफी कुछ छप रहा है, बोला जा रहा है, रिसर्च पेपर्स के बारे में जानकारी आ रही है। आप पहले जिस तरीके से अलग अलग स्रोतों से हमको जानकारियां मिलती हैं कि डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, अल्फा से कहीं ज़्यादा इसका स्प्रेड होता है और इसको लेकर हमें या देश में कितनी चिंता करनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम क्या दे सकते हैं आम व्यक्तियों को जो उनको समझ में आ सके? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, ये अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ये सब WHO ने जो वेरिएंट्स जगह जगह पर मिले उनको ग्रीक लेटर के हिसाब से उन्होंने उनको लेबल किया है। तो अल्फा वेरिएंट वो वेरिएंट है जो UK में मिला था सबसे पहले और जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत फैली थी। फिर उसके बाद में बीटा वेरिएंट आया जो ब्राज़ील में फैला और अभी हम बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट की। सो डेल्टा वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट ये वही वेरिएंट है जिसको हम 617.1 बोलते हैं या 0.2 बोलते हैं, जिसमें से डेल्टा वेरिएंट इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है और कप्पा वेरिएंट को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा है। इसका मतलब ये है कि ये वो वेरिएंट्स हैं जिसके लिए हमें चिंता होनी चाहिए, WHO कहता है। और ये क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, ये यंग लोगों में भी फैलता है और डिजीज सीवियरिटी भी इसमें ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले वेव के मुकाबले इस वेव में हमने देखा कि मोर्टेलिटी भी थोड़ी ज्यादा रही, मॉर्बिडिटी भी ज्यादा रही और यंग लोग भी ज्यादा अफेक्ट हुए पिछले वेव के कंपैरिजन में। सो इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर रखा गया है। कप्पा वेरिएंट अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर रिसर्च चल रही है कि उसके लिए हमें कितनी चिंता करनी है, नहीं करनी है, ये रिसर्च ही आगे आने वाला टाइम बताएगा। बट ये भी इंडिया में ही डिटेक्ट हुआ है। जहां तक आती वैक्सीनेशन की बात, तो अभी तक जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं उसमें रिसर्च ने भी बताया है कि हमारी वैक्सीन इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट में भी असरकारी है। और जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है, मोस्ट ऑफ देम अगर उनको बाय चांस होता भी है कोरोना, तो वो उनकी जो सीवियरिटी रही वो काफी कम रही है और मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर रही है। जी, कुछ टर्म्स है डॉक्टर साहब जिनको लेकर हमें बहुत आसान शब्दों में लोगों को अवेयर भी करना है। जैसे जिनके दो दो टीके लग चुके हैं, जिनके दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी कई बार इन्फेक्शन पकड़ता है, तो लोगों का पहला सवाल होता है कि ऐसे में क्या ये टीके काम नहीं कर रहे। दूसरा, कुछ लोग जो टीके लगवा लेते हैं वो अति निश्चिंत हो जाते हैं, ये भी चिंता की बात है। तीसरा, एक ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है इसको लेकर भी लोगों में बड़ा चर्चा का दौर चल पड़ा कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा आसान शब्दों में तीनों को समझाएं। जी, तो तीनों का आंसर मैं एक ही उसमें देना चाहूंगा। देखिए, जो भी वैक्सीन अवेलेबल होती हैं अभी उनकी एफिकेसी वेरी करती है 60% से 90% के बीच में। जी, अब 60% से 90% एफिकेसी का मतलब यह है कि हमने जब लगाया तो 60% प्रोटेक्शन हमें मिला है, लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है, 40% चांस है कि हमको वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन जब इन्फेक्शन करेगा तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। कुछ लोगों को तो इन्फेक्शन हो भी गया, उनको सिम्टम्स ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे तो माइल्ड आएंगे, अगर वैक्सीन नहीं लगा होता तो हो सकता है वो शायद सीवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब वो इंसान जिसको दो डोज वैक्सीन की लग गई उसके बावजूद फिर से उनको कोरोना हो जाए, तो इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी है। तो इससे हमें ये सीखना है कि देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद में हमें निश्चिंत नहीं होना है, हमें अभी भी ये तीन चीजें, यानी कि डबल मास्किंग,
हैंड सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जो अभी हम जिस आपदा से निकल रहे हैं और अभी हम सेकेंड वेव के इतने हमने देखे हमारे नजदीकियों को हमने खोया है, तो ये वापस चुनौती हमारे पास वापस फिर से उभर कर आ सकती है। तो अगर इसको हम चाहते हैं कि नहीं उभर कर आए तो ये तीनों चीजें हमें बहुत ईमानदारी के साथ बरतनी होंगी, बहुत दृढ़ता के साथ बरतनी होंगी। पोस्ट कोविड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने बताया कि ये जो ब्रेक थ्रू हो रहा है या जैसे हम कह रहे हैं कि दूसरी बार जिन लोगों को इन्फेक्शन जकड़ता है, तो क्या उन लोगों में जिनको टीके लग चुके हैं उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ, या जिन लोगों को टीके नहीं लगे और उनको दोबारा सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हुआ, तो उनकी कोई स्टडी हम बता सकते हैं लोगों को कि देखें आप टीके लगवाने के बाद में उनमें थोड़ा असर कम हुआ या नुकसान कम हुआ? जी, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है साहब कि जिनको भी इनफैक्ट आईसीएमआर की भी जो स्टडी आई है उसमें उन्होंने देखा है कि जिनको डबल वैक्सीन दोनों डोज वैक्सीन की लगी उनके अंदर मोर्टेलिटी उनको किसी में भी नहीं मिली, वेयर एज जिनको पुराना इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन हो उसमें मोर्टेलिटी भी थी, मॉर्बिडिटी भी थी, लॉन्ग कोविड भी देखने को मिला है। तो ये तो क्लियर है कि वैक्सीनेशन डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है ना। अब इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम वैक्सीन से घबराएं नहीं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन के बाद हो भी रहा है मान लो किसी को, तो वो इसीलिए हो रहा है कि उसने वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया, और ये इस चीज की खुशनसीबी है कि उसने वैक्सीन लगवा ली और वो इन्फेक्शन सीवियर स्टेज तक नहीं पहुंचा है, वो माइल्ड या मॉडरेट होकर या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक होकर रह गया है। सो इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन दैट यू आर प्रोटेक्टेड। डॉक्टर साहब, एम्स ने और तमाम अस्पतालों ने, डॉक्टर साहब ने, सब लोगों ने मिलकर जो टीमें बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब जो तीसरी वेव है इसको लेकर हमको लोगों को सतर्क करना है। इस बीच कुछ नए वेरिएंट्स को लेकर और WHO की नई गाइडलाइन को लेकर लोगों में कुछ अवेयरनेस है और कुछ भ्रांतियाँ हैं, दोनों के बीच का बड़ा स्लाइड फर्क होता है। क्या गाइडलाइंस हैं तीसरी वेव से पहले जो हमको इस वक्त फॉलो करनी है, और क्या ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे इस वक्त? जी देखिए, जो गाइडलाइंस तो अभी भी वही रहेंगी, गेट वैक्सीनेटेड यानी वैक्सीन लगवाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने रिसेंटली अब ये बोला है, क्योंकि वेरिएंट्स आ रहे हैं और कई बार वैक्सीन को भी एस्केप कर रहे हैं, तो डबल मास्किंग लगाना बहुत जरूरी है। अभी तक वो सिंगल मास्क बोलता था, अब डबल मास्क लगाना जरूरी है। डबल मास्क का मतलब होता है कि आपने एक मास्क पहना उसके ऊपर एक और कपड़े का मास्क पहन लिया, इससे क्या होता है कि जो नीचे वाले मास्क से जो अगल बगल से थोड़े बहुत लूज एंड्स रह जाते हैं तो वो दूसरे मास्क उसको कवर कर लेता है। पर अगर आप रेस्पिरेटर लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है N95 मास्क, तो इसमें सिंगल मास्क की जरूरत होता है, इसमें डबल मास्क नहीं लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो WHO ने भी रिसेंटली चेंज किया कि आपको सिंगल मास्क से डबल मास्किंग की तरफ जाना है। नाउ जो भ्रांतियां हैं कॉमन जो हैं, जैसे कि हमारे वैक्सीन लगाने जाते हैं तो वैक्सीन लगाने की वजह से कोरोना हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वैक्सीन लगाने से कभी भी कोरोना नहीं होता है। वो जब हम वैक्सीन लगाने गए उस सेंटर पे हमने शायद अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया है, इस वजह से हमें कोरोना होता है, ना कि वैक्सीन लगाने की वजह से कोरोना होता है। वैक्सीन इज कम्प्लीटली सेफ है ना। तो ये भ्रांति हमें मन से निकालना बहुत जरूरी है। अभी बच्चों में भी कोविड के ट्रायल्स चल रहे हैं, कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है 12 से 18 साल के लिए, और जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी बड़े एनकरेजिंग नतीजे मिलेंगे हमें इस ट्रायल के, तो जल्दी हमारे बच्चों को भी कोविड वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा। पिछले दिनों बच्चों को ये जो तीसरी वेव का असर है इस पर भी बहुत तरह की स्टडी हमने देखी। शुरुआत में बताया जा रहा था कि जो थर्ड वेव है इसमें बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर होगा, इनको सर्वाधिक खतरा होगा। फिर कुछ दिनों बाद एक रिसर्च और एक थ्योरी सामने लाई गई कि नहीं साहब, उतना असर नहीं होगा जितनी की आशंका व्यक्त की जा रही है और इसकी कोई ठोस स्टडी नहीं है। क्या बात सच है? जी देखिए, ये सब आशंकाएं इसलिए आई थी कि आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो अडल्ट्स में हो रहा है ना, 18 साल से ऊपर। तो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी बचेगी, जो 18 साल से नीचे हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी तक हम नहीं दे रहे हैं, तो ये वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो तीसरी वेव की चपेट में आ सकती है। अभी तक हमारी दूसरी वेव भी कंप्लीट नहीं होती, अभी हम तीसरी वेव की बात नहीं करते, जस्ट आशंका है। आदमी अपनी थ्योरीज देता है, अपने तैयारी करने के लिए एक टाइम है, तो ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि अगर होगा तो इस तरह से देखने को मिलेगा।
अगर अपन यूएस का डेटा देखें तो यूएस के डेटा में भी क्या देखने को मिला है कि नंबर ऑफ केसेस तो कम हो रहे हैं उनके, लेकिन जो प्रपोर्शन जो बच्चों का है वो प्रपोर्शन उस कंपैरिजन में ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मई के शुरुआती हफ्ते में वहां पे अराउंड 20% बच्चे थे टोटल पॉपुलेशन में जो कि अफेक्ट हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टाइम पास हो रहा है तो वो बच्चों का प्रोपोर्शन 20 से बढ़ के 23-24 अभी करंटली अराउंड 23% के आसपास में वहां पे प्रोपोर्शन चल रहा है। तो ये एक दूसरा मेजर रीजन था जो डेटा बेस्ड है कि लोगों ने आशंका जताई कि बच्चों इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमें समझने की जरूरत है, अगर हमने हमारे घर के अडल्ट्स को बच्चों को वैक्सीनेट कर दिए अडल्ट्स को तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं अगर हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। पर ये हम मान के चलें भाई हम तो वैक्सीनेट हो गए हैं और अब हम आजाद हैं, मास्क से आजादी है, तो फिर मुश्किल है क्योंकि हम स्टिल वी कैन गेट इन्फेक्टेड और हम दूसरों को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी हम ये तीन चीजों को यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करते रहें। चलिए, बहुत अच्छी और काम की जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि बच्चों को लेकर के आपको सतर्क रहना है और खुद को वैक्सीनेट कराना है अगर आपको अगली वेव से अपने आप को और अपनी जो अगली पीढ़ी है बच्चे हैं उनको सुरक्षित करना। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जैसा अभी आप कह रहे थे कि अभी तो सेकेंड वेव भी खत्म नहीं हुई, तो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अगली वेव को लेकर तैयारी, क्योंकि एक ये आम धारणा फिर बन रही है जब अनलॉक की प्रोसेस में हमें कि अब ये सेकेंड वेव चली गई है, इसका पीक चला गया है और अब हमको तीसरी वेव के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार रखना है, तो इस वक्त का बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं आप? आई थिंक आपने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल पूछा, बिल्कुल जायज सवाल है और अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यही चीज़ है कि अब जो हमने सेकेंड वेव में हमारी गलतियां थी, कमियां थी, उसको हम पूरी तरह से सुधार लें, दुरुस्त कर लें ताकि तीसरी वेव अगर भगवान ना करे आती है तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहें और हमारे मरीज ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी से जो बेचारे वंचित रहे और परेशान हुए वो हम इस चीज़ को वापस ना देखें। ऑल्सो चूंकि हमने अभी बात करी कि वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है तो हमें उसके अप्रोप्रिएट भी तैयारी करना बहुत जरूरी है। बच्चे अफेक्ट होंगे नहीं होंगे सब कयास हैं, ये आगे के समय हमें बताएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पर हमारे सिस्टम में हमारे राज्य में देश में हम इतने तैयारी करके रखें कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चे अफेक्ट होते भी हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट हम सामान रखें जैसे मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन देने के डिवाइसेस हैं, उनके लिए दवाइयां हैं, तो वो सब चीजें हमें पहले से हमारे पास तैयार रहनी जरूरी है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है और आई थिंक इन सबको हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और तैयार रहना है। डॉक्टर साहब, भारत में दो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और साथ में तीसरी स्पुतनिक वी जो है वो भी भारत आ चुकी है और उसको भी लगाने की तैयारी चल रही है। इन तीनों में कंपैरिजन, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी, ये भी अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में आती हैं और इनको लेकर लोगों में बड़ी भ्रांति रहती है, चिंता रहती है कि कौन सी लग गई है और कौन सी लगानी चाहिए, क्या इनकी एफिकेसी में कोई बड़े अंतर पाए गए हैं? जी नहीं, ये तीनों वैक्सीन एफिकेशियस हैं, इनके अलग अलग स्टडीज जो हुई हैं सब में एफिकेसी अराउंड 60-80% वेरी करती है अलग अलग सेटिंग्स में। तो ऐसी ये बोलना कि एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से बेहतर है नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ऑल वैक्सीन आर इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली एफिकेशियस एंड सेफ एज वेल। सो जो भी आपको वैक्सीन मिलता है कि वो आप लगवाएं, बट ये इंश्योर करें कि अगर आपने कोविशील्ड लगवाया तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का हो, कोवैक्सीन लगवाया तो उसका दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही हो, उसको मिक्स ना करें। अभी तक हमारे पास उस चीज के लिए क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि मिक्स वैक्सीन से एफिकेसी बेटर होगी कि कम होगी। ऑल्दो रिसर्च चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे भी शायद होगी रिसर्च इस चीज के बारे में, लेकिन अभी क्लियर कट इसके लिए आंसर नहीं है। तब तक के लिए हम यही फॉलो करें कि हमने जो वैक्सीन पहले लगवाई थी दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का हम लें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, टर्म्स हैं जो हमने इस कोविड काल में सीखे हैं, कई सारे नए शब्द सीखे हैं, कई दवाओं के नाम हमने नए सीखे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा किल्लत की खबरें, उसकी कितनी आवश्यकता है, किनको है किनको नहीं है, इसको लेकर हमने कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। डॉक्टर साहब, ये क्या कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन है रेमडेसिविर को लेकर कि अगर बच्चों में इसका परसेंटेज बढ़ता है, ईश्वर न कर ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो क्या उनको नहीं लगाना है, इस तरह की कोई गाइडलाइन है? कई सारे लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई खबर है कि बच्चों को रेमडेसिविर नहीं लगाना चाहिए।
देखिए अभी तक कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है और ये सब इस बातें इसलिए उठ रही हैं कि अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो प्रोटोकॉल इशू किया है बच्चों के लिए उसमें रेमडेसिविर का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए ये एडवाइजरी है कि बच्चों को रेमडेसिविर नहीं लगाएं। देखिए अभी तक भी क्लियर कट ट्रायल नहीं है रेमडेसिविर का, और अगर हम इसको इश्यू करेंगे तो देखिए केस टू केस बेसिस पे जज करके दवा का यूज किया जाता है। हमने सेकेंड वेव में देखा है कि रेमडेसिविर का किस तरीके से बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हुई और लोगों जिनको जरूरत थी या जिनको लगना चाहिए था उनको नहीं लग पाया, और जिनको नहीं लगना चाहिए था वो लोगों ने उसको स्टॉप करके खुद ही अपने आप घर में लगवाया है। तो ये चीज एटलीस्ट बच्चों में नहीं होनी चाहिए, इट लेट इट बी विद द एक्सपर्ट्स की जो डिसाइड करें कि किस बच्चे को शायद इसकी जरूरत पड़े। अभी तक कोई क्लियर कट रिसर्च एविडेंस नहीं है जो ये बोले कि नहीं रेमडेसिविर रामबाण है बच्चों के लिए और उसमें कोविड में हेल्प करती है। एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, शायद आपसे भी कई सारे लोगों ने डॉक्टर साहब कई बार पूछा होगा कि कब तक चलेगा, कितनी वेव्स आएंगे। हालांकि इसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस सवाल का उत्तर लोगों को सरल भाषा में दें कि दरअसल ये वेव्स पर वेव्स आ रही हैं। अब हम इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि हमको दोबारा से इनके शॉट्स लेने पड़ेंगे, तो क्या इस बीमारी का पैटर्न अभी तक समझ में आ रहा है? देखिए ये स्पेनिश फ्लू को भी देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि वेव्स आई थी, तीन वेव्स आई, देन नेचुरल प्रोसेस के साथ वायरस डाई आउट हो गया है। तो एज ए साइंटिस्ट तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वायरस का भी एक नेचुरल कोर्स होगा, विद टाइम ये भी धीरे धीरे अपने आप को माइल्ड होके और डाई आउट हो जाएगा, या फिर जैसे अभी स्वाइन फ्लू है वायरस की एक वायरस है एंड यू हैव एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वो कभी कभी कुछ पॉकेट्स में आता है और सेटल हो जाता है। आई थिंक विद वैक्सीनेशन विद आर अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड विद टाइम आई थिंक वी वुड विन ओवर दिस वायरस। और एक सवाल ये रहता है कि क्या हमको ये जो मुंह पर मास्क है, एक दूसरे से दूरी है, हैंड सैनिटाइजेशन है, तो सब अच्छी आदतें, लेकिन मास्क लगाने से अभी भी कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है, हम उन्हें समझा कर लगातार मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये कब तक करना पड़ेगा? ये सवाल लोग बार बार पूछते हैं, क्या ये अब जीवन भर हमारा हिस्सा बनने वाला, ये तक पूछ लेते हैं। देखिए इसका नहीं, मैं इतना नहीं बोलूंगा कि जीवन भर हमारा हिस्सा रहेगा, बट ये तय है कि जब तक हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70-80% वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक तो हमें ये मास्क और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही पड़ेगा। बच्चों को लेकर एक बार फिर आपका जो स्टडी है, आपका जो आकलन है वो क्या कहता है, हमको बच्चों को लेकर किस कदर सतर्क रहना, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए हैं, स्टडी का बुरा हाल है, बाहर निकलना तकरीबन सभी बच्चों का बंद है, बच्चे ही हैं जिनको हमने सबसे ज़्यादा शायद घरों के भीतर रखा है, किशोरों में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अब जबकि अगली वेव में वो एक ऐसा वर्ग होगा जिसको लेकर थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है, तो क्या और कब तक उनको हमें सुरक्षित रखना है? देखिए बच्चों में दो तरीके से कोरोना वायरस इफेक्ट करता है। पहला तो एक्यूट कोविड, यानी जब कोरोना अब खुद बच्चों को इन्फेक्ट करता है और उसकी वजह से बच्चों को हल्के फुल्के सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, और मेजॉरिटी बच्चे 95% तक बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आपको ट्रीटमेंट लगाने के देने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, और उसमें से भी 1-3% ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू एडमिशन की और केयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होता है जिसको हम हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी मिस्क बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये कोरोना होने के 4-6 हफ्ते के बाद में आता है। अब बच्चों में मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, ज्यादातर वो उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। और फिर जब 4-6 हफ्ते के बाद में उनमें थोड़े सीरियस सिम्टम्स आते हैं और मेनली उनको उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पे दाने निकलना, मिचली आना, चक्कर आना और बीपी का फॉल हो जाना, हार्ट पे अफेक्ट, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के, जिसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली अब मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीज समझना और जानना, क्योंकि मानसून आ गया है, तो हम इसको मानसून बीमारी समझ के उल्टी दस्त को निगेट ना कर दें, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये आता है 4-6 हफ्ते के पीक के बाद। हमने अप्रैल एंड में पीक देखा है
और अब यही टाइम है जब हमें मिस के केसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास में कोई बच्चा आता है जो उल्टी दस्त, पेट में दर्द और बुखार के साथ में आ रहा है, शरीर पे दाने दिख रहे हैं, दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, आंखें लाल हैं, तो उसको आप ध्यान से समझिए कि कहीं ये मिस्क तो नहीं है, है ना। तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स देख के और इन्वेस्टिगेशंस देख के कि बच्चे को मिस्क है। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है अगर हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर लें और ट्रीट कर लें तो, लेकिन हम मिस कर देते तो जानलेवा भी हो सकती है। तो बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि ये हम समझें कि लाइटली नहीं लें, स्कूल खोलने की अभी जल्दबाजी नहीं करें जी। और बच्चों को चूंकि मेंटली अफेक्ट होते हैं, बेचारे स्क्रीन पे बैठे हैं, स्कूलिंग सब ऑनलाइन हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि उनको इस मानसिक दबाव से बाहर निकालने के लिए, स्ट्रेस से निकालने के लिए, कि हम उनको उनकी हॉबीज में एंगेज करें उनमें। घर में हमें उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, उनको किससे कहानियां सुनाएं, पॉजिटिविटी मेंटेन रखें, अच्छा न्यूट्रिशन दें और एक्सरसाइज करवाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है घर में एक्सरसाइज कराना, योगा करवाना, क्योंकि घर में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, एक्सरसाइज योगा नहीं करेंगे तो मोटापे की प्रॉब्लम अलग आएगी। और ओबेसिटी पूरी दुनिया ने देखा है कि जो भी ओबीज हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको कोरोना ने अच्छे से सताया है। चलिए, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और स्पेशली बच्चों को लेकर के, आई एम श्योर कि ये सारी जानकारियां जो हैं लोगों को भ्रम से दूर रखेंगी और सही चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करेंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपसे सीधे मुलाकात मुश्किल है, लेकिन यहाँ इस माध्यम से ज़रूर लोग लाभान्वित हुए होंगे पूरी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद सर आपका।